दोस्तों आपने बॉलीवुड और टॉलीवुड इंडस्ट्री की फेमस फिल्म बाहुबली तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ही एक आइकॉनिक मार्क बनाया था। भारतीय सिनेमा जगत की अब तक की इस सबसे बड़ी फिल्म को बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। ये फिल्म दो पार्ट्स में बनाई गई थी, बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन। इसके दोनों ही पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी। इस फिल्म का बजट करोड़ों में था और इस फिल्म ने अपने बजट के हिसाब से कई गुना ज्यादा कमाई की थी। दोस्तों बाहुबली एक ऐसी फिल्म थी जिसको हर किसी ने पसंद किया और अगर आज इसके बारे में बात करें तो जल्द ही आपको बाहुबली का थर्ड पार्ट भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आप भी बाहुबली के थर्ड पार्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। हम आपको इसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। प्रभास को इस फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली ने 1.5 करोड़ के जिम इक्विपमेंट्स गिफ्ट किए थे ताकि वो अपने आप को बाहुबली के अवतार में ढाल सकें। इस फिल्म के लिए प्रभास को अपना वजन भी बढ़ाना पड़ा था। इसके लिए वो रोजाना 40 उबले हुए अंडे खाया करते थे। दोस्तों इस फिल्म ने जहां बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर एक नया ही रिकॉर्ड बनाया है तो इस फिल्म के नाम एक और अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है और वो है विश्व का सबसे बड़ा पोस्टर बनाने का। इस फिल्म का एक पोस्टर 50,000 वर्ग फुट का बना था जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया था। इस फिल्म में 2000 से ज्यादा स्टंटमैन और सैकड़ों जानवरों के साथ एक साथ काम किया था। दोस्तों क्या आपको मालूम है 800 से ज्यादा टेक्नीशियंस ने आर्ट, डिजाइनिंग और विजुअल इफेक्ट्स पर काम किया था। ये फिल्म जहां 120 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो गई थी वहीं इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक नया ही ट्रेडमार्क सेट कर दिया है और इसको शायद बाहुबली का थर्ड पार्ट ही तोड़ पाएगा। बाहुबली में आपने कालके के किरदार में एक बेहतरीन एक्टर को देखा होगा। कालके के विलन के किरदार में आपको नजर आए थे एक्टर प्रभाकर। कालके का किरदार फिल्म में इतना खतरनाक था कि दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए थे। वहीं इस फिल्म ने प्रभाकर ने अपनी दमदार एक्टिंग से इस फिल्म में जान डाल दी थी। वहीं अब खबरें हैं कि इस फिल्म में विलेन के दमदार कैरेक्टर के लिए शायद संजय दत्त को अप्रोच किया जाएगा, लेकिन अभी इसकी कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आई है। अभी सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं कि शायद बाहुबली के थर्ड पार्ट में विलेन के रोल में संजय दत्त नजर आ सकते हैं। अब अगर बात करें बाहुबली के थर्ड पार्ट की तो दोस्तों आपको बता दें कि SS राजामौली शायद जल्द ही बाहुबली का थर्ड पार्ट लेकर आपके सामने आ सकते हैं। इस फिल्म के बाहुबली प्रभास ने एक इंटरव्यू में ये बयान दिया था कि जब SS राजामौली बाहुबली बना रहे थे तब उन्होंने प्रभास को कम से कम 6 स्क्रिप्ट सुना डाली थी और उन्होंने अभी तक बाहुबली की 60% कहानी ही दिखाई है। प्रभास का कहना है कि SS राजामौली के पास बाहुबली के थर्ड पार्ट की स्क्रिप्ट पिछले 5 सालों से है और वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन SS राजामौली अगर बाहुबली का थर्ड पार्ट बनाना चाहते हैं तो उन्हें थोड़ी एक्साइटमेंट दिखानी होगी, तभी जाकर वो इसका थर्ड पार्ट उतने ही जोरों शोरों से बना पाएंगे और उतने ही भव्य तरीके से बना पाएंगे जितना कि बाहुबली के पहले 2 पार्ट बने थे। वहीं अगर बाहुबली के थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें आपको प्रभास के साथ अनुष्का शेट्टी और तमन्ना भाटिया तो नजर आएंगी ही। इसके अलावा इस फिल्म से कुछ नए चेहरे भी जुड़ते हुए नजर आएंगे, जहां शायद आपको इस फिल्म में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अमिताभ बच्चन के इस फिल्म में होने के कयास तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी इसका कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आया है कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म में होंगे या नहीं। और अगर इस फिल्म में अमिताभ नजर आएंगे तो वो किस किरदार में नजर आएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। प्रभास का कहना है कि अभी भी SS राजामौली के पास बेहतरीन कंटेंट बाकी है और वो इसकी स्क्रिप्ट पर बहुत ही जी जान से काम कर रहे हैं। SS राजामौली इतने भव्य तरीके से बनाएंगे कि वो फिल्म आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और बॉलीवुड की दुनिया में तहलका मचा देगी। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या आप बाहुबली एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।